फॉर एम बी बी एस पब्लिक सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस के हवाले से वो भी फिर एक तरह से फाइनलिस्ट थी सो so दिसनलिस्ट अब ये फिफ्थ लिस्ट लगी है फॉर द एडमिशन टू द प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस इन पंजाब तो इसका मतलब जो एमबीबीएस की एडमिशन है जी पब्लिक सेक्टर जो कॉलेज है उनमें कंप्लीट हो चुके हैं उसके बाद फिर नंबर थ्री पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है उनका जी एनी वेकेंट सीट सात दिन के अंदर अंदर अगर मजीद कोई रहेंगी तो देन शेल बी डेल्ट विद इन सीट पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब तो जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने वैकेंट सीट पॉलिसी बनाई हुई है फिर उनको उसके अकॉर्डिंग डील किया जाएगा अकॉर्डिंग टू जो रूल्स आपको बताए पी एम एंडमिशन रेगुलेशन टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री नंबर फोर पर आई

उनकी क्लासेस शुरू होंगी तो ट्वेंटी तक उनकी लिस्टें लगती लिस्टेंगती यानी अगर किसी की अपग्रेडेशन हुई है तो उसको जाके उस कॉलेज को ज्वाइन करना है जो कि उसकी अब फाइनल डेस्टिनेशन होगी सो फेलियर टू विश दे और अगर आपने ऐसा ना किया तो आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है to the तो आपको कोई फीस नए सिरे से, से जमा करवाने की जरूरत नहीं है अब कब तक आप जो ज्वाइन कर सकते हैं जो कि अपग्रेड हुए हैं स्टूडेंट्स वो कब तक जाके ज्वाइन कर सकते हैं नेक्स्ट कॉलेज को सो फॉर कन्फर्मेशन ऑफ एडमिशन द न्यूली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स मस्ट इमीडिएटली रिपोर्ट टू देयर एलोकेटेड कॉलेज एंड पे फीस ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स बाय द स्पेसिफाइड डेडलाइंस दैट इज मंडे फरवरी 19 2024 तो 19 फरवरी तक ही आपको टाइम दिया गया है मंडे फरवरी 19 तो आप लोगों ने उस दिन तक जाकर अपनी ज्वाइनिंग देनी है और अगर इन केस आपकी अपग्रेडेशन हुई है तो आपने नए कॉलेज में जाकर वहां पर अपनी प्रेजेंस शो करनी है ओनली कैंडिडेट्स कंप्लीटिंग दीज एक्शंस शैल बी कंसीडर्ड एज़ एडमिटेड टू द प्रोग्राम सो इसी वजह से आप लोगों को जल्द से जल्द ये काम कर लेना है लास्ट पर वही है जी, केस हुआ रिप्रेजेंटेशन हुई एटसेट्रा कुछ भी इस तरह की चीज दिखाई दी या नजर आई तो जारी बात है कि उनका फिर एडमिशन जो होगा वो उसी टाइम कैंसिल कर दिया जाएगा ये कुछ बातें मैंने आपके साथ ही शेयर की जो मेन मेन पॉइंट्स थे मैंने आप लोगों को बता दिए तो अब चलते हैं जरा इस लिस्ट की तरफ कि हमारे पास जो कॉलेजेस हैं जारी बात है लंबी चौड़ी लिस्ट है तो उसमें प्राइवेट कॉलेजेस के हवाले से अबा मेडिकल कॉलेज अख्तर अख्तर सईद मेडिकल कॉलेज लाहौर अख्तर सईद मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी इसी तरह से अलली मेडिकल कॉलेज लाहौर आमना इनायत जो है एवीसीना इन सब के क्लोजिंग मेरिट्स आप लोग जाकर अब इनकी वेबसाइट पर देख सकते हैं मैं इनशाला कोशिश करूंगा इसका एक शॉर्ट रिव्यू जो है वो बनाकर आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ एक ही लिस्ट के अंदर इन सारे कॉलेजेस का मैं क्लोजिंग मैरिट इंशाल्लाह आपको किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर कर दूंगा तो इसलिए अब आप लोग इसको खुद से देख लें इसी तरह से ओपन मैरिट कैटेगरी जो बी की है उसकी भी उन्होंने ये लिस्ट लगा दी है और इसी तरह से ओवरसीज कैटेगरी एम वो भी और ओवरसीज कैटेगरी बीडीएस तो ये चारों कैटेगरीज की अब लिस्ट लग चुकी है जी फाइनल लिस्ट लग चुकी है यानी एमबीबीएस के हवाले से अगर हम बात करें जहां तक बीडीएस की बात है मैं आपको जैसे बता चुका हूं कि बीडीएस का अभी एडमिशन जारी रहेगा और वो ट्वेंटी नाइन्थ फेबररी तक लिस्टें लगती रहेंगी इवन पब्लिक सेक्टर में भी अभी बीडीएस की और लिस्टें लगेंगी लेकिन एम के हवाले से जो पब्लिक सेक्टर के कॉलेजेस हैं उसमें जैसे अभी मैंने आपको नोटिस में बताया कि वो एडमिशन फाइनल हो चुके हैं इसलिए उसके चांसेस अब शायद नहीं है लेकिन जो बी की लिस्ट हैं वो लगती रहेंगी तो आप लोग अब इन लिस्टों को खुद से जाकर भी इस वेबसाइट पे यूएचएस की वेबसाइट पे जाकर, जाकर देख सकते हैं और मैंने जैसे कहा इसका इनशाला एक शॉर्ट रिव्यू बनाकर सारे कॉलेज का जो क्लोजिंग मेरिट है मैं आपके साथ किसी और वीडियो में जरूर शेयर करूंगा तब तक के लिए मुझे इजाजत दें मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें प्रेस कर लें बेल आइकॉन ताकि आप लोगों को अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती रहें अपनी दुआ में याद रखिएगा अल्लाह सब कहाँ मुनासर हो अल्लाह हाफिज़